अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम उर्दू टाइप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में किसी भी जगह पे, और वो हम कैसे करेंगे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके। वो सॉफ्टवेयर केबी में है, इतना बड़ा सेटअप नहीं है, तो वो मैं आपको उस सॉफ्टवेयर का लिंक अपनी वेबसाइट पे सब कुछ online.pk पर भी दे दूँगा, और उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपने डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के बाद रीस्टार्ट मांगेगा, आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट के बाद आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगी, ये देखिए इंग्लिश और उर्दू। अगर आपने उर्दू पर क्लिक करना है तो उर्दू टाइप होगी, और अगर इंग्लिश पर क्लिक करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज होगी। अभी देखिए एमएस वर्ड में मैं सिंपल टेक्स्ट टाइप करता हूँ, ये देखिए अभी मैंने इंग्लिश टाइप की, जो नॉर्मल हम टाइप करते हैं, ठीक है। अब हम उर्दू टाइप करते हैं एमएस वर्ड में। पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा दूँ, जो कि बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है। एक मिनट, यहाँ पे होगा सॉफ्टवेयर, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ, ये होगा उर्दू के नाम से, ये देखें इसका मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखाऊं। बिल्कुल छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये मैं इसका डाउनलोडिंग लिंक अपनी वेबसाइट पर दे दूंगा, आपने वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो अब मैं जब डाउनलोडिंग के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद, यहाँ से आपने क्लिक करना है और उर्दू सेट कर लेनी है। अब देखिए मैं एमएस वर्ड में आपके सामने उर्दू टाइप करता हूँ। मैं पहले इसकी अलाइनमेंट चेंज कर लेता हूँ, अब मैं उर्दू लिखूँगा। ये देखिए मैंने उर्दू टाइप की आपके सामने एमएस वर्ड में, ठीक है। इसी तरह मैं एक्सेल में टाइप करता हूँ, मैं इनका फॉन्ट बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। हम जो भी चीज़ टाइप करेंगे एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह में, फॉर्मेटिंग सारी वही कर सकते हैं, सेटिंग सारी वही कर सकते हैं जो इंग्लिश पे करते हैं, सिर्फ हम फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते। ये देखें यहाँ पे भी मैं एमएस वर्ड में सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, सारा कुछ वही कर सकता हूँ जो हम इंग्लिश पे करते हैं। सिर्फ हम फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसके फॉन्ट्स नहीं हैं जैसे इंग्लिश के फॉन्ट हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सेल में भी हम सारा कुछ कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट कलर वगैरह, लेकिन फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी ये मैंने आपके सामने ऑफिस में उर्दू टाइप की, अब ये देखें यहाँ पे मैं नाम इसका मैं उर्दू में लिखता हूँ, ये देखिए ये मैंने नाम भी उर्दू में लिख दिया। अब इसको मैं ओपन करके यहाँ पे मैं उर्दू टाइप करता हूँ नोटपैड में, ठीक है। ये मैंने नोटपैड में भी उर्दू आपको लिख के दिखा दी, और पेंट में दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इंग्लिश सेट करके पेंट सर्च करता हूँ पहले, ठीक है। मैं फिर मैंने उर्दू सेट कर लिया, और यहाँ से फॉन्ट क्लिक किया, और साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। ये देखिए
ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम कलर वगैरह, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब कुछ कर सकते हैं सिवाय फॉन्ट चेंज करने के। ये मैंने आपको पेंट में भी उर्दू लिख के दिखा दिया। इसी तरह हम कंप्यूटर में किसी भी जगह पे उर्दू टाइप कर सकते हैं छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर हमने यहाँ पर उर्दू टाइप सेट किया हुआ है और हम कंप्यूटर पर कहीं पर लॉगिन पासवर्ड इंटर कर रहे हैं तो वो हमें पता नहीं चलेगा पासवर्ड उर्दू में टाइप हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने जब लॉगिन पासवर्ड या किसी और जगह ऐसी जगह जहाँ पे इंग्लिश टाइप होनी है तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि इंग्लिश सेट हो। अगर आपने उर्दू सेलेक्ट किया हुआ है और पासवर्ड इंटर कर रहे हैं तो आपका लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने परमानेंटली यहाँ पर उर्दू सेट किया हुआ है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया है और कंप्यूटर ने पासवर्ड मांगा तो आपका पासवर्ड चेंज नहीं होगा, इंटर नहीं होगा, क्योंकि हमने उर्दू लैंग्वेज सेट की हुई होगी। तो उर्दू यहाँ पे उस वक्त सेट करें जब आपको उर्दू टाइप करनी हो, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे क्लिक करके इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। पहले होता था कि हम इन पेज में लिख के फिर पेंट उसमें सॉरी कोरल ड्रा में ले आते थे फिर सेटिंग करके फिर उसको, अब हम डायरेक्टली एमएस वर्ड में लिख के उसकी सेटिंग करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये देखें मैं आपको फाइल में प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो अब उतनी लंबी चौड़ी मेहनत नहीं है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इंग्लिश या उर्दू सेट कर लेना है। हम कंप्यूटर में किसी भी जगह पे उर्दू टाइप कर सकते हैं इस छोटे से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके। ये सॉफ्टवेयर आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, सब कुछ online.pk वेबसाइट में जाकर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप वेबसाइट पर जाके कॉन्टैक्ट अस में जाके रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको फर्दर डिटेल और यह इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ये तो थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब इंजॉय करें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके।